हाय गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, अभी मैं गांव में हूँ, शादी थी तो शादी अटेंड किया था, तो अभी मैं आया हूँ अपने घर पे। अपने खेत की तरफ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब भी आता हूँ तो अपने खेत में ज़रूर जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए, काफ़ी हरा भरा लग रहा है ज़्यादा। अभी इसमें इस सब खेतों में बुआई हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हरा देखिए लग रहा है, हरा हरा। और यहाँ पे देखिए आलू की बुआई हुई है, आलू, और ये सब पेड़ है। तो फ्रेंड्स, गांव में आने के बाद काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है, इसीलिए मैं महीने में 2 बार 3 बार गांव आता ही हूँ। तो अभी चलते हैं, हमारे खेत में मतलब आलू का बुआई हुआ था और गेहूं का बुआई हुआ था, तो चलते हैं देखते हैं कैसा है। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग शाम का सीज़न है, क्योंकि मैं वहाँ से जब आया, बारह से आया, शादी से आया, तो बहुत तेज़ नींद लगी थी, क्योंकि रात भर जगा था, तो तुरंत सो गया। अभी उठा तो खेत में आया, देखिए फ्रेंड्स खेत में पहुंच गया। आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ सारा चीज़। ये देखिए, ये पीछे जो है, पीछे पीछे देख रहे हैं, वो सब गांव है हमारा। ये देखिए, फिर से एक नाली गई है पतली सी, छोटी सी, इसी वजह से खेत में जाता है। और उस साइड जो है, उस साइड आप देख रहे हैं, वो नहर है, जो भी ऊँचा जैसा देख रहे हैं पूरा, वो नहर है, उसी में से पानी आता है उस नाली से। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये गेहूं है, गेहूं की बुआई हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स सारी सारी गेहूं की बुआई हुई है। अब चलते हैं और देखते हैं कोई किस चीज़ की है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मटर की बुआई हुई है, मटर का पौधा है ये। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा, इस खेत का थोड़ा सा पार्ट बना के मटर की भी बुआई हुई है अभी, और आगे देखते हैं किस चीज़ की है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पेड़ डाला हुआ है, इसमें शायद धनिया लहसुन वगैरह है, धनिया लहसुन इसमें डाला गया है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पूरा, ये आलू का है, आलू का खेत, इसमें आलू लगाया गया है। और ये देखिए, आलू का पौधा तैयार हुआ है। जहाँ पे नाली जैसा देख रहे हैं, वो सब आलू का पौधा है। और उधर ये क्या है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये लहसुन का पेड़ है, लहसुन भी काफ़ी अच्छा निकला हुआ है। और जो फ्रेंड्स देख रहे हैं इसके आगे, वो वहाँ पे सरसों का पेड़ है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, कुछ गेहूं की बुआई हुई है, मटर की, आलू की, सरसों की, और लहसुन, हाँ लहसुन, बस इतनी चीज़ों की बुआई हुई इस खेत में। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, और इस साइड जो है हमारा पूरा गांव है, इस साइड गांव है। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम तक यहाँ बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं घर पे, क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा है। मैं शर्ट पहन रहा हूँ और एक अंदर इनर है, तो ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देखिए कोहरा भी पड़ने लगा थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स, अब निकल रहे हैं घर के लिए, अभी खेत में ही, खेत से निकल रहा हूँ मैं। तो चल, यश और दिव्यास घर पे ही हैं, सब लोग घर पे हैं, मैं सिर्फ अकेले आया था यहाँ पे थोड़ा घूमने टहलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैं माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो अभी चलते हैं फटाफट घर पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर पे हूँ, और घर पे ये मेरा पीछे दालान देख रहे हैं आप, ये दालान है, और वो सामने घर है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये तुलसी का पेड़ पौधा है, ये तुलसी का पूरा पूरा ये तुलसी का पेड़ है, ये देखिए। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी रात का वक्त है, लगभग 7 बजने वाला, गांव में काफ़ी अंधेरा भी हो गया है और ठंडी का मौसम है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस बाल्टी पानी भर के लेके जा रहा हूँ भैंस को पिलाने के लिए, क्योंकि भैंस को पिलाने के बाद उसको घर के अंदर बांधेंगे, क्योंकि इतना ओस पड़ता है, तो काफ़ी ठंडी भी है, तो इसलिए भैंसों को जो भी है
अंदर बांध आ जाता है। तो फटाफट पानी पिला के बांध देते हैं। ये फ्रेंड्स भैंस है, भैंस को पानी पिलाएंगे। और इसमें भैंस जो है अपना चारा देती है। देखिए इसमें भूसा है, भूसा इसमें मिलाया जाता है, फिर चारा लेती है अपना। बस बस और फ्रेंड्स यहाँ पे भैंस का बच्चा है, उसको भी थोड़ा पिला देते हैं। पानी पी लो, पानी पियो। तो फ्रेंड्स चलो फटाफट भैंस को अंदर बांधते हैं। फ्रेंड्स इसमें ये है खूंटा, ये भैंस का खूंटा, इसमें ऐसे डाल देंगे। अब फटाफट इसके बच्चे को लेके आते हैं। अभी इसको यहाँ पे बांधेंगे। तो फ्रेंड्स ये भैंस का बच्चा, इसको बांध दिए और भैंस को वहाँ बांध दिए हैं। तो फ्रेंड्स ठंडी थोड़ी बढ़ गई है और आग बार लेते हैं क्योंकि ठंडी लग रही है। तो फ्रेंड्स इस समय गांव में काफ़ी ठंड चल रहा है, तो शाम को और सुबह में लोग आग बार के मतलब तापते हैं ठंडी को थोड़ा दूर करने के लिए। वही फ्रेंड्स में अभी थोड़ा ठंडी बढ़ गई थी तो इसलिए आग ताप रहा हूँ। और यस डीवीएस फ्रेंड अंदर है, देखिए फ्रेंड्स यस भी आ रहा है यहाँ पे आग तापने के लिए। और दिव्यांश अभी अंदर ही है। ठंडी लग रही है क्या? ठंडी लग रही है? यस ठंडी लग रही है क्या? कितना लाल है यार। ये काप रहे हो? पिछवाड़ा अपना पिछवाड़ा ज्यादा गर्म हो गया, ठंडा हो गया। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यस को आगे नहीं ताप रहा, पीछे खड़े होकर ताप रहा है। ये आग जल रहा है और यस रखो उसको, थोड़ा वो रखो रखो जले रखो। हाँ तो फ्रेंड्स फटाफट आग ताप के अभी चल खाना पीना बन चुका है, चलते हैं खाना पीना खाने के लिए। ये वो देखो दिव्यांश भी आ रहा है। ये देखो फ्रेंड्स दिव्यांश अभी आ गया। क्या हुआ? हाँ
भूख लगी है, खाना खा लो खाना। अकेले अपन दादा भरा एकदम से फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग का खाना पीना हो गया है और मैं हूँ, ये आंगन है, आंगन के नीचे हूँ क्योंकि अभी लाइट नहीं, ये इन्वर्टर से जल रहा है, ये लाइट इन्वर्टर से जल रहा है लेकिन कमरे में जो है लाइट नहीं है तो बाहर वीडियो बना रहा हूँ। और यस दिव्या सब, यस अपने दादा के पास सोया, दिव्या अपने दादी के पास सोया है। तो फ्रेंड्स वो लोग बाहर है अभी, तो मैं खाना पीना हम लोग खा लिए, अब चल रहे फटाफट सोने, उसके बाद फ्रेंड्स मिलेंगे कल ब्लॉग में। अगर फ्रेंड्स आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे कल के ब्लॉग में, बाय बाय।